किशनगढ़ बांस में पेयजल किल्लत से परेशान महिलाओं ने पूर्व भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष के नेतृत्व में सड़क मार्ग पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। अधिकारियों ने समझाइश कर एक घंटे बाद जाम खुलवाया। कस्बे के वार्ड नंबर 16 और 17 में पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने भाजपा महिला मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष के नेतृत्व में खैरतल सड़क मार्ग पर जाम लगाया। एक घंटे के जाम में सड़क मार्ग के दोनों तरफ लंबे यातायात की लाइनें लग गई। इसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। भाजपा महिला मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष ने बताया कि वार्ड नंबर 16 और 17 में पिछले 15 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हो रही और लगातार अधिकारियों को बार बार अवगत कराया गया, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण उन्होंने जाम लगाया। जाम की सूचना पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने मौके पर जलदाय विभाग के अधिकारियों से फोन पर बात की और जल्द ही समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। उसके एक घंटे की समझाइश के बाद वह मुश्किल जाम खुलवाया गया। कल से खराब है। अच्छा। तो लेकिन आज तक वो सही नहीं हुआ, तो अभी तो ये कह रहे कल तक सही नहीं होगा, ये क्यों? अब प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया है आपको? अब हमने ये कहा कि जब तक हमसे ये ना कहते बाल रात तक सही हो जाएगा, कल आपके यहाँ पानी आ जाएगा, तब जाके ये हमारी समस्या समाधान है। चलो टैंकरों से कहाँ तक, चार बाल्टी पानी से क्या पूर्ति होती है? आजकल हर चीज में पानी की जरूरत। अगर कल भी कार्रवाई नहीं हुई तो क्या करेंगे आप? कल पानी ना भरेंगे। ये महिला है, ये शक्ति है, ये जो चाहे वो कर सकती है। सरकार आपकी और आप भाजपा के मंडल अध्यक्ष महिला अध्यक्ष हैं, इसके बावजूद भी आपको? हाँ, मैं भाजपा और कांग्रेस के बारे में बिल्कुल, ये सबके साथ भाई, जनता के साथ तो हमें खड़ा होना पड़ेगा, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। चाहे अब जब जीत जाते हैं तो हमें तो सबने वोट दिए, ये थोड़ी हमें कांग्रेस वालों ने नहीं दिए, हमें तो जनता ने सबने वोट देके हमारी सरकार।